अज साडे वर्गे स्मार्ट जै ते पतले जै कमजोर जै वजूद वाले नूं तां लोक मौलवी समझेंदे ही नहीं। ढिड इत्थे मेज़ ते पियो होए ते गर्दन इत्थे होए, इंज खिंडिया पियो होए, लोक आखदे हाँ असल मुफ्ती ये सही दीन दा खातिब है। हैं टुरन लग्या ना मौलवी दे आगे दा पता लगे ना पिछे दा। अल्लाह, और मैं अल्लाह के घर च बैठा, मैं एक जगह पर गया से इन यार कुर्सियाँ पईयां, मैं भी गयो जिस टाइम मैनू ना बुलाया सटेज ते मैं तकरीर करनी, मैं नाल बह गया जड़ा उस महफिल की सिदारत कर रहा है, कोई नंबरदार कोई जिम्मेदार बंदा है। मैं वो नाल वाली कुर्सी ते बैठा, वो जड़े इंतजामिया हन उन्होंने वो आखन लगा हाजी साहब मौलवी साहब और बुलाओ आ, टाइम काफ़ी गुजर गया है, तो तुस अकेले बुलाई सो मौलवी साहब, मौलवी ओदी कच्छे च बैठा हो। वल्लाह लज़ीम उस आख्या मौलवी साहब न बुलाओ आ, हाजी साहब बड़ा टाइम हो गया है, तो तुस किस टाइम बुलाई सो, लोग थक पौसन ते हालांकि बैठा मैं उदे। उस हाजी आख्या जी मौलवी थोड़े नाल बैठे, छोटी छोटी दाड़ी है सो दी चिट्टा रत्ता लाल, बड़ा सोहना मतलब गभरू हाई पग बद्धी हुई, तो उस जो मेरे दर वेख्या ना इंकर तो बड़ी हिकारत दी नज़र ना, मैं कौन ये सुचेंद प्यो सी पटिया पहाड़ तो निकलिया बिचों। बड़ी हिकारत दी नज़र ना उस मैंने दिखा, खैर मैं भी बर्दाश्त करते बैठा रहा। जिस टाइम शुरू किते उसे अढ़ाई त्रै घंटे मैं तकरीर की, पिछे उ सरदार और ही हन तो मुड़ बैठे हैं पैर च, सख्या मेरे को गलती हो गई, असा भुले वध्या से भाई जोड़ा एडा सही धनी वाला दान तारा ठुको हो ना वो मौलवी होता है। अल्लाह का कुरान का ऐसा असर पैदा होया, उस उतना स्टेज पर ऐलान किया अज के बाद मैं दाड़ी न मुनाई सा। तबलीग का इो ही असर होता है ना, पता क्या अज के बाद मैं नबी की सुन्नत का कातिल है। तो मकसद ये है कि लोग समझेंदे भाई जेड़े सही जुब्बे कुब्बे वाले ठुके हुए हो ना वो मौलवी होते हैं।